आगरा की एदमादपुर तहसील के विद्युत विभाग में लापरवाही चरम पर देखने को मिल रही है। आगरा की एदमादपुर तहसील के गणेश नगर कॉलोनी के निवासी 3 दिन से बिजली कटौती का दंश झेल रहे हैं। जब ये शिकायत जेई से की गई तो जेई ने लॉकडाउन का बहाना बनाया और विद्युत समस्या का हल नहीं किया। इसी को देखते हुए सभासद पति ने SDO को एक लिखित में ज्ञापन दिया और बिजली विभाग के खिलाफ रोष भी व्यक्त किया। वार्ड नंबर 8 की गणेश नगर जो स्टेशन रोड पे है वो बिजली की समस्या 3 दिन से विकराल स्थिति चल रही है और उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुबह शाम पब्लिक आती है, मैं भी आता हूँ, सभासद पति हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं। आप बिजली घर पे जाइए, फ़ोन नहीं उठाता कोई, कोई कहता अरे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं। पर हाँ, आज आश्वासन SDO साहब ने दिया है कि आज 2 या 3 दिन में क्या कहते हैं लाइट सही हो जाएगी। लाइट की ये प्रॉब्लम है कि फिर चला जाता है, ठीक है। हाँ बिल भैया, और वोल्टेज कम आते हैं और काफ़ी किल्लत है, कोई सुनवाई नहीं होती है। हाँ अभी फिलहाल में अभी सही होगी ये, पर हाँ नई केबल डली है उसको जॉइंट करने भी कह रहे हैं SDO साहब, उन्होंने आश्वासन दिया है। जी साहब कहते हैं लॉकडाउन है, जी साहब SDO हाँ अभी जो कहते हैं कि लॉकडाउन में कोई कारण नहीं होगा, जय साहब ये कहते हैं, जय साहब का यही रहता है, हाँ मना कर देते हैं। SDO साहब ने हमें आश्वासन दिया है कार होने का। अभी ये आए हैं सभासद जी गणेश नगर से, उन्होंने बताया है कि वो फेस कट जाते हैं बार बार, तो उसकी ये है कि एक तो गर्मी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लोड भी बढ़ रहा है ट्रांसफॉर्मर पे, तो फेस कटना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर फेस नहीं कटेगा तो ट्रांसफॉर्मर डैमेज हो जाएगा, इसलिए जो फेस कटता है वो तो कटते ही है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बार बार कटता है। तो अभी मैंने वहाँ इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं जेई को और ठेकेदार को, वहाँ पे एक केबल और डलवा दे रहे हैं नई, तो उसमें केबल डल जाएगी तो फिर वो समस्या वो भी परमानेंटली खत्म हो जाएगी। अच्छा, फिलहाल सही करवा दिया गया? हाँ लाइन सही करा दिया, लाइन मतलब सही तो है ही लाइन तो, लेकिन फेस कट गया था, फेस बनवा दिया, लाइन चालू है अभी।